वीडियो का शेड्यूल चेंज हो गया, पीछे से वीडियो हो गई, लेकिन आज अपन बात करेंगे वर्क की। शुरुआत था टॉपिक वर्क का, लेकिन बेसिकली अब वर्क होता क्या हमारे सामने, वर्क मतलब एक कार्य करना। तो इट इज मैथ, जो हम साइंस की लैंग्वेज में वर्क की बात करेंगे, कुछ डायग्राम के थ्रू समझो कि मैंने इस बॉडी एम मास की बॉडी पर फोर्स लगाया एफ, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कैरी किया। अब जब डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगी तो इसने या मैंने इस पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया और इसने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये एक वर्क डन हुआ, बेसिकली वर्क डन हुआ। अभी मैं फोर्स कुछ ऐसे लगाता, ठीक है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर साइड होता, तो वहां पर भी बेसिकली वर्क डन होता। अब वर्क डन के टाइप्स के थ्रू हम इन चीजों को समझेंगे कि वर्क हुआ क्या, यानी कि किसी बॉडी ने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी ने क्या करा, अपनी पोजीशन को चेंज किया, डिस्प्लेस किया, तो वहां पर क्या हुआ, वर्क हुआ। अगर वहां पर वर्क नहीं हुआ होता तो केस कैसा रहता वो देखो। जैसे ये कोई बॉडी यहां से उछली और यहां चली गई, बेसिकली ये ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी, यहां ग्रेविटी फॉल हो रही थी, ग्रेविटी लग रही थी, तो बेसिकली इसने फोर्स लगाया ग्रेविटी ने, तो जो ग्रेविटी फोर्स लगाएगी इस बॉडी पर, ग्रेविटी जब इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी ड्यू टू इट्स वेट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर हुआ, यानी कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो रहा वो चेंज नहीं हुआ। कैसे, क्यों, क्योंकि इसकी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम थी, तो यहाँ वर्क नहीं हुआ। इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियल पोजीशन किस ग्राउंड पर थी, इसी पर, और फाइनल पोजीशन भी इसी ग्राउंड पर थी, इस वजह से इसका वर्क नहीं हुआ। डेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, जीरो आया, तो यहाँ वर्क डन नहीं हुआ। तो सिंपल वर्क डन के लिए हमें फोर्स किसी बॉडी पर लगाएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना मस्ट है, उसे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो बेसिकली जो हम वर्क की डेफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू S। अब S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, F क्या होता है, जो फोर्स लगा है इस बॉडी पर, M मास की बॉडी पर, तो ये हुआ। लेकिन इसका जो रियल या असली फॉर्मूला, या हम बोल सकें इसका जो आपसे छुपाया गया, जो नाइन्थ में छुपाया गया फॉर्मूला, जो असली फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है इलेवेंथ में, F cos theta मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, F cos theta मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये असली फॉर्मूला। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी, सिंपल हमें वर्क का एक इंट्रो टाइप पढ़ना है नाइन्थ में, तो वही चीज़ देखनी है। तो वर्क डन क्या हुआ, द वर्क डन इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस, बॉडी ने क्या करा, डिस्प्लेस हुई, बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यह क्या हुआ, उसका वर्क डन हुआ, ठीक है ना, वर्क क्या हुआ, उसका डन हुआ। तो इसका फॉर्मूला आपने देख लिया, W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट S, कहीं कहीं डिस्टेंस भी लिखा, लेकिन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगा, कभी डायरेक्शन उसके अपोज में होगी, कभी फोर्स इधर लग रहा है और डायरेक्शन इसकी ये, तो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ लिखा है। तो नेक्स्ट इसका जो SI यूनिट आ जाती है, वो SI यूनिट जो होती है, बेसिकली SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो SI यूनिट इसकी बनती है जूल, ठीक है ना, और वन जूल कितना हो जाता है, वन न्यूटन हुआ ये, और वन मीटर हुआ। तो वन जूल वर्क कब होगा, किसी बॉडी ने, नहीं जैसे ये एक बॉडी थी, इसने इस पर वन न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी कितनी चल गई, वन मीटर, तो इसने कितना काम करा है, वन जूल अपने अंदर से वर्क डन हुआ है, वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है, या इसके अंदर से जो फोर्स निकाला, वर्क डन तो प्रोड्यूस नहीं, जो इसने फोर्स निकाला उसने वन मीटर किया, तो टोटल जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, वन जूल। लेकिन कहीं कहीं आपको वन न्यूटन मीटर भी इसकी SI यूनिट मिल जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट SI यूनिट, ये SI यूनिट नहीं होती, ये सिंपल एक यूनिट होती है,
जो CGS और MKS में आप आगे देखेंगे। बात समझे, ऐसा यूनिट क्या है, जूल, MCQ में पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली ये हुआ हमारा वर्क, कि वर्क डन हुआ कब और वर्क डन होगा कैसे, उस हिसाब से हमने वर्क डन को देखा। अब इसके टाइप्स रहते हैं कि वर्क डन होता क्या, ठीक है ना। अब वर्क डन या वर्क को बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में देखा जाता है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी लिया जाता है, जितना आपने बॉडी से वर्क या जितना आपने एनर्जी कंजप्ट करी उतने के ही फॉर्म में आप वर्क उसको दिखा मतलब कर पाओगे सराउंडिंग्स। तो बेसिकली वर्क डन के टाइप्स, तो पहला जो टाइप आया वो आया पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन दूसरा टाइप, तीसरा टाइप जीरो वर्क डन। एग्जाम्पल के थ्रू आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या होता है। पॉजिटिव वर्क डन यानी कि PWD, पॉजिटिव वर्क डन, जैसे कोई बॉडी थी एम मास की, इस एम मास की बॉडी पर इस बॉडी ने क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया एफ, और ये बॉडी फोर्स भी इधर लगाया इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, और इसकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी किसी डायरेक्शन में हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा तो वो वर्क डन PWD कहलाएगा, मतलब पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा, ठीक है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ सेम डायरेक्शन, डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, जैसे इस एग्जांपल आप देख सकते हो, इसने एक फुटबॉल को किक किया अपने फुट से, तो सिंपल वो बॉल भी कहाँ जाएगी, आगे, और इसका फोर्स भी कहाँ हो रहा था, आगे की तरफ। बात समझ में है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल आप इस चीज़ को लिख लेंगे। अब इसका एक्सप्रेशन पूछने लगता है कि एक्सप्रेशन फार्मूला लिखो पॉजिटिव वर्क डन का, तो पॉजिटिव वर्क डन का फार्मूला होता है PWD का फार्मूला, हाँ फार्मूला होता है F इंटू S, सिंपल वही फार्मूला जो वर्क का हुआ था F इंटू S। वो याद नहीं रखना कि आपका W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको याद नहीं रखना, क्योंकि आगे जब जाकर मेरी सबसे यहाँ डॉट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, तो जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे तब ये चीज़ है, लेकिन आप यहाँ समझेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बॉडी की वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा W इज इक्वल टू F इंटू S होगा हमारे सामने। बात समझे। नेक्स्ट हमारे सामने NWD मतलब नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन आप इसके थ्रू समझ गए होंगे कि नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, जैसे ये पहला सेकंड NWD नेगेटिव वर्क डन, तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन, कैसे, जैसे ये बॉडी है एम मास की, ये अब एम मास की बॉडी छोड़ देते हैं, ये इसने क्या करी थी, फुटबॉल आगे हिट की थी, तो फुटबॉल कुछ आगे जा करके अपने आप इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका रीज़न क्यों, क्योंकि इस पर निगेटिव वर्क डन होने लगा, पहले तो उसने जब क्लिक करी तो पॉजिटिव वर्क डन, जब कुछ देर बाद उसने करा तो उस पर इसका जो फोर्स है वो कम होने लगा, लेकिन जो फ्रैक्शनल फोर्स था, अब जब वो इधर जा रही थी तो फ्रैक्शनल फोर्स इसके अपोज में लगेगा, तो वो फ्रैक्शनल फोर्स इधर डायरेक्शन में हो गया, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, इसका, तो इसमें क्या होगी, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड। और इसमें क्या हो रही थी PWD में, स्पीड इंक्रीज हो रही थी, ध्यान रखना स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, और इसमें क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि उस पर निगेटिव वर्क लगेगा, निगेटिव वर्क हुआ मतलब उसका फ्रैक्शनल फोर्स जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में।
दोनों अपोजिट हुए। तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या मेनली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या हुआ, एक नेगेटिव बकडन का क्या हुआ हमारा सिंपल एग्जांपल हुआ। तो आप लिख सकते हैं इसका एक्सप्रेशन आ जाता है एफ इंटू एस, लेकिन ये माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव बकडन है, इस वजह से माइनस लगा दिया यहाँ पर। तो ये एक्सप्रेशन होता है किसका, एन डब्ल्यू डी का, पेपर में आ जाता है कि एक्सप्रेशन फॉर एन डब्ल्यू डी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है जीरो बकडन, ये बहुत थोड़ा अलग बकडन कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें तो आप समझ गए कि नेगेटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन में हो तब ये कैस रहेगा, ठीक है ना। जीरो बकडन कैटेगरी क्या रखी जाएगी, तो वो देखो जरा, जीरो बकडन। तो कभी किसी बॉडी का जीरो बकडन हो सकता है, कोई कुली अपने सामान रखा हुआ है सिर पर और उसका जीरो बकडन कह दी, हाउ पॉसिबल। तो देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है जीरो बकडन। तो बेसिकली जीरो बकडन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन राइट एंगल, किसमें हो, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे। कैसे, जैसे समझने से ये कोई मेन था, ये सामान को कैरी करा था अपने ऊपर, सिंपल। तो जब वो सामान को कैरी किया था, सिंपल हमारा मेन है ये, इसको कुली एक एग्जांपल आ जाता है कि कुली कोई वर्क नहीं करता, वो देखेंगे आगे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली आगे की ओर चलेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा किसका, ग्रेविटी का, वो वर्टिकली लग रहा है, वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यू ही, और वर्टिकल डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लगी ग्रेविटी, तो ये दोनों एंगल क्या बन गए, 90। इस वजह से इस कुली बिचारेगा, या जो ऊपर सामान रखा हुआ है मेन, उसका जो बकडन होगा डब्ल्यू डी, वो क्या होगा, जीरो। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि वो चल कहाँ रहा था, हॉरिजॉन्टली चलेगा सीधा, और फोर्स कैसा लग रहा है, वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे सिंपल कि व्हेन अ मैन एग्जर्ट अ मास, ठीक है ना, या अ सूटकेस ऑन इट्स बैक या ऑन इट्स हेड, सिंपल इट मूव हॉरिजॉन्टली एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जर्टेड बाई द वर्टिकली डायरेक्शन, सो दे आर इन 90 डिग्री डायरेक्शन, तो इज इक्वल टू जीरो। इसके पीछे केस क्या, क्यों जीरो क्यों हुआ, 90 पे क्यों जीरो हुआ, फॉर्मूला होता है रियल एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू या डिस्प्लेसमेंट। तो इसके पीछे ये केस होता है कि यहाँ पर थीटा आपका क्या है, 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90। ये चीज़ आप 10th में समझोगे, कॉस थीटा की वैल्यू 90, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, जीरो होगी। कॉस 90 की वैल्यू कैसी होगी, जीरो। तो जब कॉस 90 की वैल्यू जीरो होगी, या 90 लगाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा जीरो, यानी कि बकडन उसका कैसा होगा, जीरो। ये आपसे नहीं पूछेगा, तो आपको याद करने की जरूरत, मतलब सिंपल ये चीज़ आपको नहीं करनी, हमें बस ये याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है ना, और उस पर एग्जर्टेड फोर्स कैसा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो सिंपल बकडन वहाँ क्या होगा, जीरो होगा। एक और एग्जांपल हमारे सामने है, सेकंड एग्जांपल कि कोई ये कौन है, अर्थ है, अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रही है, ये सैटेलाइट है ए पॉइंट की, और ये इसका सेंटर सी, और ये मूव कर रही है, तो इसका बकडन क्या होगा, तो इसका भी बकडन जीरो होता है। ये कुछ एप्लीकेशन है जो पेपर में पूछ ली जाती है। तो सैटेलाइट जो मूव करेगी, वो मूव करती है, सिंपल हम पढ़ के आए यूनिफॉर्म मोशन में, कि सैटेलाइट का मूव जो होगा वो टेंजेंशियली होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन बार बार कैसी होगी, चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये ए पर खड़ी हुई है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी, ये भी यहाँ पर, और हम पढ़ के हैं, हमने टेंजेंट में पढ़ा है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है, नहीं पढ़ा तो 9th में पढ़ना।
तो ये टेंजेंट हो गई इसके लिए, और ये रेडियस हो गई। रेडियस क्या है, ये फोर्स सेंटर वाला, सेंटर या तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा शायद, आई थिंक, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अपनी तरफ खींच रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये, जो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है किस पर, इस सैटेलाइट पर। ये क्या है, सैटेलाइट, और ये क्या है, अर्थ, या अर्थ का सेंटर। तो सेंटर से उसका फोर्स लगता है, ये अर्थ है। तो सिंपल ये उसके लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन हुई, और यहाँ एंगल जो बनना है वो क्या बनना है, 90। तो थीटा क्या हो गया, 90। या आप बोलेंगे कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन राइट एंगल डायरेक्शन, ठीक है ना, या मेक आर मेक राइट एंगल, सो जीरो बग। डेफिनेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगी मेरे हिसाब से। तो थीटा जब 90 हुआ तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी आपको, ये बस ये याद रखना। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, कि वैन आ सैटेलाइट मूव अराउंड अर्थ, अर्थ एग्जर्ट अ सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग इट्स रेडियस, ठीक है ना, अलोंग इट्स रेडियस, शो एंड सैटेलाइट, डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट इज मूविंग चेंज एक्स टू टेंजेंशियल फॉर्म, सो द टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, सो 90, थीटा 90। और इतना भी चीज नहीं लिख सको तो सिंपल लिख देना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेक अ राइट एंगल, सो वर्क डन इज जीरो। बस आपको ये याद रखना है, ये क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है, रेडियस, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट, ठीक है ना। वर्क डन के और भी फॉर्मूले बताएं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट में वीडियो डली है तो डालना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी साइंस कंजुगेट। मेरे हिसाब से वर्क डन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो बने रहिए बीएपी कॉन्सेप्ट के साथ।